चलो देखो, रक्त केश का क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो तुम लोगों को तो चाचा के क्रम में बोले हैं, ये कहाँ कहाँ तुम लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, है ना। तुम लोग एक चीज और ध्यान देना, खस्सी बनाते हुए कहीं देखा है खस्सी बकरी सब, उसका जो बाहरी खाल को हटाया जाता है तो खाल को टांग करके तू ध्यान से देखो, उसमें लाल लाल धागा जैसी लकीरें मालूम पड़ती है न जी, वही है ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का जाल। तो रक्त केशिका क्या है, ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। इससे पहले वाला पार्ट में जो फिगर बतलाए थे, ये सबसे पतली, बाल जैसी पतली या उससे भी पतली, अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। नलिकाएं, नली से नलिकाएं, नली मतलब ट्यूब पाइपलाइन, अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। इनकी दीवार चपटी, चपटी का अर्थ हो गया इनका दीवार जो भीतर वाला पोर्शन है ना, दीवार चिपटी, चिपटी का अर्थ हो गया एक वह शर्ट पहनो, स्नान उस्नान करके कपड़ा उपड़ा लगा दो और सुखा दो, दो शर्ट, एक पर आयरन करके पहनो, एक पर बिना आयरन करके पहनो, तो बिना आयरन वाला तुमको चपटी लगेगा, आयरन वाला एकदम आयरन किया हुआ है बिल्कुल एकदम प्लेन लगेगा, सिकुड़न नहीं होगा उसमें। तो चपटी का अर्थ ये हुआ, समझ गया, आंतरिक दीवार। और एपिथीलियम के एक स्तर की बनी होती है, एपिथीलियम का उपयोग बहुत जगह होगा, ये कोशिकाओं का समूह है, मीन्स एक प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है। प्याज को तू लोग लाल वाला छिलका छील लो, इसके बाद ऐसे करोगे तो पतली पन्नी जैसी एक ठो अलग हो जाती है, ऐसा देखा है, या प्याज का ये छिलका हटा करके एक परत हटाओ फिर ऐसे करो तो पतली पन्नी जैसी लपेट में आ जाती है, यही है एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियम का स्तर जो कि चढ़ा हुआ है प्याज के हर एक परत, दो परत के बीच में रहता है, ये इसमें सूक्ष्म छिद्र होता है। तो जैसे हम लोग का गाल भीतर वाला भाग में देखोगे तो प्याज का जो ऐसे नहीं हम लोग कर देते हैं तो एक पन्नी जैसी संरचना आ जाती है, उसमें भी इसी पन्नी जैसी संरचना इस पर नेचुरली प्रकृति की ओर से साटा हुआ है जिसमें सूक्ष्म छिद्र होता है। इस छिद्र से मतलब कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या भोजन, पचा हुआ भोजन आर पार जा सकता है। उत्सर्जी पदार्थ जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं है ये भी आर पार जा सकता है। किससे, ये एपिथेलियम का जो स्तर होता है, प्याज वाला उदाहरण में जो बतलाए ना, तो इनकी दीवार चपटी एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है। तो एपिथेलियम का स्तर तू लोग समझा, रक्त केशिकाओं की दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है, पारगम्य जिसके आर पार जा सके। कौन सा पदार्थ, तो कुछ सिलेक्टेड, जैसे जल इसके आर पार जा सकती है, किसके आर पार, तो एपिथेलियम का जो स्तर होता है रक्त केशिकाओं की संरचना का भीतरी दीवार, एपिथेलियम का जो एक लेयर होता है चारों ओर परत होता है, ये पारगम्य होता है, यानी इसके आर पार क्या क्या जा सकता है, तो जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ समझा जिसको शरीर से हम लोग अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं ना, जैसे पैखाना पेशाब ये सब जो हुआ उत्सर्जी पदार्थ हुआ, मलमूत्र, इसके बाद तुमको पसीना भी निकलता है ये भी उत्सर्जी पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी शरीर से बाहर निकाल देते हैं उत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन चैप्टर है। तो रक्त केशिकाओं की दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है, यानी ये सब इसके आर पार जा सकता है। इसके इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से ऊतक द्रव में जाते हैं।
ऊतक द्रव का अर्थ आगे समझा देते हैं। कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र से जीव का, बोले है ना। तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं CO2 रक्त में आ जाते हैं। इसका तू लोग अर्थ समझा पूरे का। पूरे का अर्थ ये हुआ, जैसे इसको लिख लिया है, ये रक्त केशिका जो है किस टाइप का है, बाल बाल से भी पतली लंबी एक नली होती है रक्त केशिका, जिसकी दीवार आंतरिक दीवार किस टाइप की होती है, तो एपिथेलियम उतकों के सतह से घिरी होती है। एपिथेलियम उतक समझा, उदाहरण ही डायरेक्ट बोल दिए, प्याज के लाल वाला छिलके को हटा करके प्याज का एक परत हटा दो, ऐसे करो तो पन्नी जैसा एक सतह आएगा, आता है ना पन्नी जैसा लपेट में। तो हम लोगों के शरीर में जहां भी जाओगे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और कोई भी अंग जो है, जैसे तू छोटी आंत के बारे में पढ़ोगे तो इपिथिलियम में क्या होता है, भोजन संपूर्ण रूप से पच करके तरल पदार्थ की अवस्था में आ जाता है, तो ये अब कैसे पहुंचेगा प्रत्येक कोशिका तक, तो कल्पना करो इलियम यानी छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग इलियम है ये, तो इसका आंतरिक दीवार जो होगा इस पर तुमको रक्त केशिकाओं का जाल होगा, रक्त केशिकाओं का जाल होगा, तो ये रक्त केशिकाएं की दीवार कैसी होती है, तो एपिथिलियम उत्तक के द्वारा घिरी होती है, एक सतह के द्वारा, लेयर के द्वारा, इसमें सूक्ष्म छिद्र होता है, इसी के द्वारा ये इसमें इलियम में जो पचा हुआ भोजन का अंश होता है तरल पदार्थ के रूप में, इसमें विसरण की क्रिया के द्वारा ये आ जाता है। अब याद करो विसरण की क्रिया में क्या बतलाए थे, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में पदार्थ के कणों के प्रवाह को हम लोग विसरण कहते हैं। बोले थे जैसे यहां पर मान लो धुआं कर दो, ये धुआं रूम में फैल जाएगा, ये क्यों फैलता है, तो जहां पर धुआं हो रहा है वहां पर धुआं के कणों का डेंसिटी यानी संकेंद्रण जमाव ज्यादा है, उसके इर्द गिर्द नहीं है, तो किसी भी क्षेत्र से विसरण की क्रिया में बतलाए थे उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थ के कणों के प्रवाह को विसरण कहते हैं। अब जैसे इसमें याद करो तो क्या उदाहरण दिए थे, इसे तुम लोग को जैसे फेफड़ा में ऑक्सीजन का अणु स्वतः ब्लड में कैसे चला जाता है, तो विसरण की क्रिया के कारण, तो देखो विसरण की क्रिया का उदाहरण बतलाए थे, फिर देखो देखो दो बर्तन है, इसमें सादा पानी ले लो स्वच्छ पानी, इसमें नमकीन पानी ले लो, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है जो इस पानी को इधर नहीं आने देता, इसको इधर नहीं, यानी एक
बंद करने वाला सिस्टम लगा हुआ है। अब इसका इसमें नमक नहीं घोले हैं, इसमें नमक घोल दिए हैं। अब इस टोटी को खोल दो, यानी अब कनेक्ट हो गया दोनों का पानी। तो चूंकि दोनों में पानी भरा हुआ है तो दोनों का तल एक है, तो ये बोलो पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। जब दोनों का तल एक ही है, इसका उच्च तल रहता इसका निम्न तल, तो इधर से इधर जाता, तल भी समान है। समान तल होने पर पानी का प्रवाह नहीं होता है, बल्कि पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। ऐसा होता है ना, जब दोनों का तल भी समान है तो पानी इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं। इसमें सादा पानी है, इसमें नमकीन पानी है। इस सिस्टम को हम ओपन कर दिए हैं, अब पानी हाँ नहीं, अब क्या होगा नहीं होगा, तो इसमें देखो आधा घंटा करके ऐसा छोड़ दो, खोल करके आधा घंटा के बाद इसका पानी एक चम्मच लेकर के पीना। ये भी थोड़ा कम ये जितना नमकीन लगेगा इसमें से भी लेकर के पीना उतना ही नमकीन लगेगा, जबकि इसमें नमक नहीं मिलाया था, इसमें नमक मिलाया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोनों पानी सादा और नमकीन नहीं, इसमें नमक के कण है इस पानी में घुले हुए, तो नमक के कण की सांद्रता अधिक है। इसमें नमक के कण मिलाए ही नहीं गए हैं, यानी नमक के कण की सांद्रता शून्य है। तो पदार्थों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवाह विसरण कहलाता है, क्योंकि दोनों कनेक्ट हो गया है, दोनों पानी हो गया है ना। जब कनेक्ट हो गया है तो इसमें नमक की सांद्रता शून्य है ही नहीं, उसमें नमक मिलाया हुआ है, तो नमक की सांद्रता ज्यादा है, उच्च है। इसमें निम्न है, निम्न में भी शून्य है। तो पदार्थों के कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं, और ऐसी ही क्रिया को विसरण कहते हैं। इसमें डिफ्यूजन हुआ है, विसरण हुआ है, इसलिए इसका भी पानी नमकीन हो गया उतना ही जितना इसका है। तो यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों में मतलब पदार्थों के कण का कण की मात्रा समान नहीं हो जाए। ऐसी बात नहीं है जो आधा घंटा के बाद ये कम नमकीन लगेगा, ये ज्यादा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। समझा? सांद्रण का सबसे पार्थक्य मतलब यहाँ पर ये सांद्रण, जैसे आटा में हम लोग पानी को सान देते हैं, मिलाते हैं, उसी को कहते हैं सांद्रण। समझा? तो विसरण में अब मान लो हम लोग देखो ये कहीं पर मैदान है, तू यहाँ पर तू धुआं कर दो, यहाँ पर तू धुआं उठने लगा, लेकिन अगल बगल के क्षेत्र में धुएं की सांद्रता, धुएं के कण नहीं है, नहीं है, यानी ये उच्च सांद्रता का क्षेत्र हो गया धुआं वाला, अगल बगल में शून्य सांद्रता वाला क्षेत्र है। तो पदार्थों के कणों का प्रवाह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होते हैं, इसीलिए धुआं सब जगह फैलता जाएगा, इसे विसरण की क्रिया कहते हैं। तो बायोलॉजी में कैसे होता है अब समझ जाओगे। मान लो ये छोटी आंत है, जैसे ये आमाशय है, चलो छोड़ो, मान लो ये छोटी आंत है, हम चित्र जैसे तैसे बना दिया है, तो तीन पार्ट कर दो। ये इलियम है मान लो सबसे नीचे वाला पार्ट, तो इलियम में भोजन पच करके तरल अवस्था में आ जाता है, जिसे चैल कहते हैं। अब तरल अवस्था में तो आ गया, अब ये एक एक कोशिका तक कैसे पहुंचेगा? तो इलियम के आंतरिक दीवार में रक्त केशिकाओं का जाल होता है, तो इन रक्त केशिकाओं के रक्त में ये जो तरल पदार्थ है इसके कण तो नहीं है, नहीं है। चूंकि रक्त केशिकाओं का बाही लेयर जो होता है आवरण, ये भी इसमें भी सूक्ष्म छिद्र होता है, तो
इलियम में पचे हुए तरल पदार्थों का विसरण होगा, डिफ्यूजन, तो रक्त केशिकाओं में ये प्रवेश करने लगता है डिफ्यूजन के चलते, क्योंकि उसमें जो रक्त है उसमें ये पचे हुए तरल पदार्थ के कणों की संख्या शून्य है, विसरण की क्रिया के द्वारा ये रक्त केशिकाओं में मिल जाता है, समझा? हाँ समझे। अब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो इसमें भी ऐसी ही बात होती है, फेफड़े में बतलाएंगे, ये चैप्टर चालू होगा, फेफड़े में जो रक्त केशिकाओं का जाल होता है जब ये शुद्ध वायु पहुंचता है तो इसमें से ऑक्सीजन के अणु, क्योंकि रक्त केशिकाओं के जाल में, रक्त केशिकाओं के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य होती है, तो इसी फेफड़ा में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन के द्वारा ये रक्त केशिकाओं के रक्त में मिल जाएगा। तो अब ऑक्सीजन ही इसीलिए खींचा मिलता है क्योंकि इसको आकर्षित भी करता है, आयरन है उसमें, हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से हम लोगों के कोशिकाओं तक पचे हुए भोजन का अंश पहुंचता है एवं ऑक्सीजन रक्त में पहुंचता है और तब रक्त के द्वारा कोशिका में पहुंचता है, पचे हुए भोजन भी विसरण के द्वारा इलियम के दीवारों में जो रक्त केशिकाओं का जाल है, विसरण की क्रिया के द्वारा रक्त केशिकाओं में पहुंचता है। तो रक्त केशिका है ना बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में तुम लोग को लिखा दिए, तो इसकी दीवार से, अब रक्त केशिकाओं की दीवार से क्या क्या जा सकता है, जल तो आराम से जा सकता है, पचे हुए भोज्य पदार्थ जैसे अभी बोले चैल वाला, तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी जाएगा रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं, तो उत्तक द्रव अलग से बतला देंगे क्या है फिलहाल मान लो, तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं। अब मान लो देखो ये कोशिका है, तो कोशिका की संरचना में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होता है, तो मान लो ये कोशिका है, अब रक्त के द्वारा ये यहां पर लाया गया, मान लो हीमोग्लोबिन इसमें प्रवेश किया, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये जो लाया जाता है तो भीतर में ऑक्सीजन तो नहीं है, नहीं ना है, तो लाया जाता है तो ऑक्सीजन का विसरण मतलब हीमोग्लोबिन से अलग होकर के न्यून मतलब कम सांद्रता वाला ये क्षेत्र है, इसमें पूरा जो है ऑक्सीजन अपना फैलता है और पचे हुए भोजन का अंश भी आता है विसरण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि पचे हुए भोजन में जो कण होते हैं इस कण का इसमें अभाव होता है, आता है तो ये भी पूरा में फैल जाता है, जैसे धुआं विसरण की क्रिया के द्वारा फैल गया, समझा? तो यही है रक्त केश का। अब इससे पहले वाला फिगर बतलाए थे पिछले पार्ट में, धमनी कैसे धमनिका में, धमनिका कैसे रक्त केशिका में बदल जाता है, है ना? तो अब नेक्स्ट जो है तो चलो इधर ध्यान दो, भेन मतलब सिरा, इसका नाम तो प्रचलित है, कुछ भी होता है लोग थोड़ी कहता है जो आर्टरी काट लिया कहता है भेन काट लिया है, मतलब नस काट लिया, प्रचलित ये शब्द है, लेकिन ये सिरा इसका काम क्या है, जितना भी अशुद्ध रक्त है शरीर में सभी अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का काम ये सिरा करता है, कार्य देखो, वेंस यानी सिरा अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी लग गया यानी ऑक्सीजन विहीन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है अशुद्ध ब्लड बतला ही दिया है, तो अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है
पूरा शरीर तो अंग का ही न बना है, अंतिम में आओगे तो अंग किससे बना है, उतक से, टिशू से, टिशू किससे बना है तो सेल से, कोशिका से, है ना। तो विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है अशुद्ध रक्त को। अपवाद में यहाँ फिर है पल्मोनरी वेंस, ये एक ऐसा वेंस है पल्मोनरी वेंस जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, अपवाद है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय तक आता है। अगले पार्ट में तुम लोगों को लसिका और हार्ट ही बतलाएंगे। जब हार्ट जान जाओगे ना तो कैसे वहां से वेंस निकलता है और कैसे अशुद्ध रक्त वाला उसमें पहुंचता है अलग से वेंस, और शुद्ध रक्त वाला कैसे निकलता है, तब ये कंसेप्ट ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो है पल्मोनरी, ये अपवाद ही पूछता है ज्यादा, ऐसा कौन सा वेंस है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाता है। तो विकल्प में चार को दिया रहेगा तो याद रखना पल्मोनरी वेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपवाद ही पूछता है। वेंस की दीवार धमनी से पतली होती है, इससे पहले वाला पार्ट में चित्र बनाकर दिखलाए थे। अधिकांश वेंस में हृदय की ओर फूलने वाले वाल्व लगे होते हैं जो वेंस में ब्लड को केवल हृदय की ओर ही जाने देता है। अब जैसे देखो इस फिगर को देखो, कोई अंग है तो उस अंग में जो अशुद्ध रक्त हुआ उस अंग में उत्कों के मिलने से अंग का निर्माण होता है और कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। तो हरेक कोशिका में मान लो यहाँ पर कोई अंग है, इसमें जितना तुमको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया में अंतिम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हरेक कोशिका में प्रतिक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पैदा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु इसके में प्रवाहित हो रहे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ, ये तो अशुद्ध हो गया तो रक्त केशिकाओं में मिलता है, रक्त केशिकाओं के रक्त में ब्लड में, तो ये हो गया तुमको रक्त केशिकाओं का जाल जो किसी अंग से मान लो निकला अशुद्ध रक्त लेकर के, ये रक्त केशिका मिल करके बनाता है। फिर देखो विभिन्न केशिकाएं रक्त केशिकाएं जुड़कर वेन्यूल्स सिरकाएं बनाती है, ये कई रक्त केशिकाएं मिल करके, देखो एक दो तीन चार, हम उदाहरण के रूप में ये चार तो हो गया, इसका नाम हो गया वेन्यूल्स, यानी पतली पतली पाइपलाइन बाल जैसी पाइपलाइन मिल करके ये थोड़ी मोटी नलिका बनाती है जिसे वेन्यूल्स कहते हैं। ये कई वेन्यूल्स मिलकर के एक मोटी नली का निर्माण करता है जिसे वेन कहते हैं, शिरा, समझा। इसी अंग में इधर से फिर इससे पहले वाला चित्र में जो बतलाए थे शुद्ध रक्त आने के लिए केशिकाओं का जाल, फिर इधर धमनी का, फिर इधर धमनी। किसी भी अंग में एक एक अंग का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है तो इसका मतलब शुद्ध रक्त भी आ रहा है ऑक्सीजन लेकर के, अशुद्ध रक्त निकाल रहा है। तो कैसे निकालता है समझ गया, ये अंत में हृदय में जाकर के मिल जाएगा, सब गंदा रक्त हृदय में ले जाएगा और साफ होगा तो फिर ये आर्टरी के द्वारा इसी अंग में आएगा, इस जैसे अनेकों अंग में आएगा ले जाने, हाँ अशुद्ध रक्त को। तो विभिन्न केशिकाएं जुड़कर, यही केशिकाएं जुड़कर सिरकाएं यानी वेन्यूल्स यानी ये पतली पतली पाइपलाइन थोड़ी मोटी पाइपलाइन में बदल जाती है, जैसे कई छोटी छोटी नाला पानी बहने वाला 50-60 नाला मिलकर के, अंत में देखना एक जगह 10 नाला में सबका पानी गिरा, ये 10 नाला एक बड़ा नाला में गिरने लगा जिसको हम लोग नदी की संज्ञा दे देते हैं, तो सेम कहानी है यहाँ की, समझा। तो ब्लड कैपिलरी ये मिल जाता है, किस रूप में बदल जाता है तो वेन्यूल्स यानी सिरकाएं, ये सभी सिरकाएं मिलकर के एक सिरा यानी एक वेन का निर्माण करता है।
तो अशुद्ध रक्त निकलने की क्रियाएं ऐसे ही होती है। तो सिरा और धमनी यानी आर्टरी और वेंस में अंतर पूछता है शुद्ध रक्त को ले जाने वाला हृदय से शरीर के सभी अंगों में क्या कहलाएगा आर्टरी और अशुद्ध रक्त को लाने वाला नलिका रक्त वाहिनी क्या कहलाएगा सिरा। तो ये दोनों में अंतर भी और ये एक नंबर या क्वेश्चन इस दोनों पर यही बनता है। अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे हार्ट के बारे में।